अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है सेट थ्योरी का, राइट। देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। कहा गया कि एक सर्वे कहा गया, एक स्कूल में सर्वे किया गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में 600 बच्चे हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं वहां पे। और ये देखा गया सर्वे में कि 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं, वर टेकिंग टी, एंड 225 टेकिंग कॉफी, 225 स्टूडेंट्स कॉफी लेते हैं, और 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही पीते हैं, मतलब टी भी एंड कॉफी भी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। कहा गया फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, कितने ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। अच्छी बात है कि यदि नहीं पीते हैं तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। इसको यदि आप वेन डायग्राम साथ बना के काम करते हैं तो प्रॉब्लम को समझना भी आसान हो जाता है और करना भी इनफैक्ट आसान हो जाता है। तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम, एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं पूरे प्रॉब्लम का। तो मैंने क्या किया, एक ये आप पता ही है कि एक रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए उस स्कूल के, 600 स्टूडेंट्स आ गए इसके अंदर। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ना तो इस सर्कल को बिलोंग करेंगे, ये सर्कल बिलोंग कर रहा है वो उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि टी पी रहे हैं, ये उनके लिए जो कि कॉफी पी रहे हैं। हालांकि मैंने इस कायदे से इस सर्कल बड़ा होना चाहिए क्योंकि कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर वो ज्यादा है, लेकिन मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। साथ में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इसके अंदर, 600 है। इसका मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, 600। ये बात तो आ गई। अब देखते हैं यहां पे टी पीने वाले, टी चाय पीने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 150। कॉफी पीने वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए वो कितने हो गए, 225। और ये जो इंटरसेक्शन है उसमें 100 है, मतलब इसमें एलिमेंट्स टोटल 100 है। हमें अब ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में से कुछ नहीं पीते, ना टी पीते ना कॉफी पीते। इसका मतलब वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सर्कल के अंदर तो बिलोंग ही नहीं करेंगे इन दोनों में, इस ना तो इस सर्कल के अंदर होंगे ना इस सर्कल के अंदर होंगे, मतलब इसके अंदर तो आएंगे नहीं। मैं इसको दिखा भी देता हूं करके कि भाई कि इस पार्ट में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे ऐसे स्टूडेंट्स, कहीं नहीं आने इनको। इससे जो आपको कलर करके मैंने व्हाइट से दिखा रखा है शेडेड पार्ट, उसमें तो होंगे नहीं वो, ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस शेडेड पार्ट से बाहर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बाहर है तो कैसे निकालेंगे। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका निकाल लूं पूरा शेडेड पार्ट का, मतलब टी यूनियन सी निकाल देता हूं मैं और उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वही तो इसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे इसके अंदर आएंगे। मेरी बात समझे, यदि मैं टी यूनियन सी निकाल लेता हूं, मतलब मुझे यदि यहां से यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसके अंदर हैं वो पता चल जाए, तो उसको मैं 600 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसके अंदर होंगे, जो दोनों कोई भी इस सर्कल के अंदर नहीं होंगे, और वही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ना तो चाय पी रहे होंगे ना कॉफी पी रहे होंगे। तो प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको इस डायग्राम के थ्रू बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्रोसीजर क्या बनेगा, प्रोसीजर ये बनेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ना तो चाय पी रहे हैं ना कॉफी पी रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, मतलब 600 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग, मतलब जो कि इस सर्कल में होंगे, मतलब टी यूनियन सी में होंगे, राइट। तो ये वाला प्रोसीजर यही बन गया, प्रोसीजर मैंने बना दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्स की वैल्यू जो होगी एन यू माइनस एन टी यूनियन सी होगी, और जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी डैश, नोट इन टी यूनियन सी, ऐसे भी लिखा जाता है, राइट। तो इस एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये तो 600 है, पता चल चुका है। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये निकालना आसान है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बोथ, दैट मींस दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन। ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता ही है आपको, तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए 150 जो कि दे ही रखा है, टी पीने वाले स्टूडेंट्स की संख्या नंबर, कॉफी जो पीते हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 225 है, और दोनों वो 100 है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए 275 आ गया।
इसके अंदर चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों में से कुछ भी पीने वाले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 275 हो गए। तो दोनों में से कुछ भी नहीं पीने वाले 600 माइनस 275 हो गए, तो डेट विल कम आउट 325। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप यदि ये डायग्राम बना लेते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली वेन डायग्राम कहते हैं, तो इससे प्रॉब्लम को समझ पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कीजिए, बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को करा जा सकता है। राइट, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए काफी काफी मेहनत कर रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया लेक्चर्स आपके सामने लेके आया जाए और आप उस लेक्चर के लेकर के उसे एंजॉय भी करें और साथ में आप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव भी करें। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इतनी हमारी ओर से मेहनत हो रही है, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, वो सफल कब होएगा? जब आप भी हमारा साथ देंगे। साथ देने का मतलब क्या है? साथ देने का मतलब ये है कि आप एक तो वीडियो लेक्चर्स को डेफिनेटली लाइक करा कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट प्लेस किया कीजिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे ये होगा कि हमारी टीम और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और बेटर एंड बेटर वर्क करने का। और दूसरों को जितना ज्यादा हो सके आप बताइए, आप हमारे लेक्चर के बारे में, हमारे वीडियो लेक्चर्स के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जितना ज्यादा हो सके बताइए। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, वो मत भूलिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को बताना, रिकमेंड करना, जब तक ये नहीं करेंगे आप, तब तक जो है हमारे काम, हमारा जो इतना इनपुट जा रहा है, उसकी एक प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है उसमें केवल हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, जितना बेटर से बेटर कंटेंट की डेवलपमेंट करी जा सके, पूरा हमारी टीम का फोकस केवल वहां पे है। मार्केटिंग और जो बातें होती हैं दूसरी तरह की, उसके ऊपर हमारा फोकस इतना ज्यादा नहीं है। हमारा ध्यान इस बात पे है कि यदि कंटेंट बेटर एंड बेटर लेके आया जाए तो डेफिनेटली लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे और वो आगे अपने आप बढ़ेगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट टाइम की भी, मनी की भी, पूरी तरीके से कंटेंट के डेवलपमेंट के ऊपर जा रही है, क्वालिटी डेवलपमेंट पे जा रही है, ताकि आपको बेटर एंड बेटर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें। राइट, लेकिन वहीं पे आपका काम बनता है, आपका दायित्व बनता है हमारा साथ देना, और आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, उसके ऊपर हमें भरोसा है। क्योंकि काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, और वो आपको करना है, आपको लोगों को, दूसरों को बताना है। राइट,